टीचर ट्रेनिंग बुक चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 18, इसमें हम लोग सीखेंगे डिवीजन बाय 25। इसके पहले डिवीजन बाय हमने 5 सीखा था, उसके पहले हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था, 5 का मल्टीप्लाई करना है या 25 से मल्टीप्लाई करना है या 125 से मल्टीप्लाई करना। उसके पीछे शॉर्ट ट्रिक थी और उसके पीछे रीजन था, वो मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी डिजिट को जीरो के पास लाएंगे तो इजी हो जाता है। यहां भी वही देखेंगे, आप देखिए एक बार 225 को डिवाइड बाय 25 से करना है या 325 को डिवाइड बाय 25 से करना है। 25 को एक बार भूल जाइए आप, बस इसको ध्यान रखना है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये डिवीजन है तो मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, वो आपका आंसर है। चलिए पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 या 20 4 2 8 और 2 10 4 2 8 और 1 9, यह है आपका 900 हो गया है। लास्ट में 2 डिजिट के बाद आपको लगाना डेसिमल, तो आंसर आपका 9 है। कितना आंसर आपका 9, क्लियर। ऐसे यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट को और लास्ट में 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना, तो 4 5 5 20 4 2 8 और 2 10 1 4 3 12 और 1 13, लास्ट में 2 के बाद डेसिमल लगाना, तो आपका आंसर है 13। कितना आंसर आपका 13.00 बोलो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रिक बहुत सिंपल है, 25 को हमने 100 में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड कर दिया, बराबर हो गया। दोबारा बता दूं कैसे करा इसको, 2 इसके पीछे जो रीजन है डिवाइड बाय 25, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा ना नीचे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4 4 कट जाएंगे बाद में, बात वो की हुई रही,